आपस में प्यार है तभी परिवार है। एक लड़का था जो निराश था, हताश था। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। लड़के ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो भी मैं सोचता हूँ सब कुछ उससे उल्टा होता है। मैं नौकरी करता हूँ। मैं पहले सोचता था कि जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी लाकर दूंगा। लेकिन अब नौकरी तो लग गई लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि गाड़ी ले सकूं। सोचा था कि अपने बीवी बच्चों को दूसरे देश में घुमाकर लेकर आऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बस जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही है। क्या करूं कुछ बताइए। महात्मा जी लड़कों को एक फूलों के बागीचे में ले गए जहां बहुत ही सुंदर फूल थे। वहां ले जाकर लड़के से कहा कि तुम्हें बागीचे में से किसी एक फूल को लेकर आना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता हो। लेकिन एक शर्त है, किसी भी फूल को तुम पीछे हटकर नहीं तोड़ना। जो तुम्हें एक बार पीछे छोड़ दिया तो वो समझना तुमसे छूट गया। लड़का बागीचे के एक कोने से फूल चुनने के लिए चल दिया। उसे बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़का ये सोचकर आगे बढ़ता गया कि कहीं इसे फूल से भी अच्छा फूल हो तो उसे तोड़कर लाऊंगा। लड़का आगे बढ़ता गया और लड़के ने अभी तक कोई फूल नहीं तोड़ा था। अब बागीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे। अब लड़का शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों में से भी नहीं तोड़ सकता था। लड़के के पास सिर्फ एक विकल्प था कि वो इन सूखे फूलों में से ही किसी एक को तोड़े। लड़का एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचा और सूखा हुआ फूल दिखाया। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे कि बागीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा हुआ फूल तोड़कर लेकर आए हो। लड़का बोला कि महात्मा जी, बागीचे में मुझे भी बहुत सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छा फूल की चाह में वो सारे सुंदर फूल को मैं पीछे छोड़ता गया। फिर बाद में केवल सूखे हुए फूल ही थे जिनमें से मैं एक फूल लेकर आ गया। महात्मा जी लड़के को बागीचे में ले गए। समझाने लगे कि ये जो बागीचा है वे तुम्हारा जीवन है। जो सुंदर फूल हैं वे खुशियां हैं। इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ और बेहतर की चाह में तुम इतनी सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वे खुशी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिल सकती है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनकी देखभाल करें। खुद को और अपने परिवार को इतनी खुशी किसी भी चीज़ नहीं दे सकती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट में गुड या बैड लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।